पर खाई होगी और अपने घर में बनाई भी होगी। लेकिन आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कच्ची सेवई फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है, इसे बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है और कितना समय लगता है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियोस तो बहुत देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाथों में है ये बालों से जैसे दिखने वाली चीज और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है शकील अहमद जी। ये बताए कि ये बनती किस चीज की है? ये मैदे की बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे बनाई जा रही सेवई आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये दो मशीनें लगी हुई हैं। हाँ, दो मशीनें लगी हैं जिसमें मैदा गूंधा जाता है। अच्छा, इसी के अंदर मैदा पड़ता है? इसी के अंदर मैदा डाल के, पानी डाल के और चला दिया जाता है, मैदा गूंध जाता है। अच्छा ठीक। उसके बाद उसको निकाल के दूसरी मशीन में इसको डाला जाता है। दूसरी मशीन में डाल के उसको निकाला जाता है, तब उसमें सेवई निकलती है। अच्छा, इसमें उसमें जो है मैदा डाल दो और उसके बाद जो है कारीगर लोग जो है मशीन अंदर दबाते हैं और सेवई बाहर निकल आती है। ये देखिए दोस्तों, यहीं पे इसको दबा दिया जाता है और ये निकल जाता है। हाँ, इसी के अंदर मैदा भरा जाता है और मैदा जो है नीचे इसको लेकर आता है और गोल गोल घूमता है। हाँ ये देखिए, इस तरह से जो नाचता रहता है मैदा नीचे निकलता रहता है। ये देखिए नीचे आपको सेवई निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये देखिए सेवई निकल रही है। यही है जाली, इसी से छन के निकलती है। ये देखिए सब मैदा है, ये देखिए एकदम गर्म है। तो आप देख सकते होंगे कि इसके अंदर छोटे छोटे महीन सुराख हैं। और इसका एक और फ्रेश पीस दिखा दीजिए। देखिए तोड़ के ऐसे रख दो, ये उठा के टांग दिए, उसके बाद निकाल के फिर यहाँ फैलाया जाता है। अच्छा, फिर ये इस तरीके से वो जो जिस टाइम इसको सुखाते होंगे तो गीली होती होगी? हाँ ये गीली होती है, बिल्कुल गीली होती है। इसके बाद जो है धूप में ये सब सूख जाती है। और आप देख सकते होंगे कि ये सेवई को यहाँ पे सुखाने के लिए रखा है, अभी ये पूरी तैयार नहीं हुई, ये कच्ची है। आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि सेवई किस तरीके से प्रोसेस की जाती है, बनाई जाती है। हाँ, इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे उठा के इस पर रख के और ऐसे इसको काट देंगे और काट के फिर इसको फिर इस पे रख देंगे। ये साइज के हिसाब से काटते हैं? ये साइज इसलिए इसमें बोरे में पैकिंग आ जाती है, इसी नाप का सब बोरा बना है, इसी तरीके से सब पैकिंग होता है। अब इसको जो है इस पे जो सेवइयां जले मत इसलिए इस पे तागल लगा लेते हैं। अच्छा, फिर इसको बांध देते हैं। इसको मैं खा के देख सकता हूँ? हाँ खा भी सकते हो, खाने वाली सामान है। चलिए जरा ये इतने से बाल जरा तोड़ के देखता हूँ। और ये अभी कच्ची है, ये पकी नहीं है इसलिए वाइट दिख रही है। हाँ। लग रहा है जैसे बाल खाया हो मैंने किसी के, कोई टेस्ट अभी नहीं आ रहा है, महीन बाल जैसा मैदा भी मैंने खाया है। अब इसको हम भट्टी में डालेंगे ऐसे ही ये? हाँ पूरा पेपर के साथ, पेपर के साथ जो डालेंगे। ये मेरे ख्याल से 15 किलो क्या 20? हाँ ये 18 किलो का होगा, ये 18 किलो। तो भट्टी में आप रात भर इसको डाल देंगे और सुबह ये सुखाएंगे इसको? हाँ नहीं, हाँ सूख नहीं, पक जाएगा, भुन जाएगा, उसमें कलर आ जाएगी, पक जाएगा, लाल हो जाएगा। तो चलिए हमको दिखाइए कि इसको भट्टी में कैसे डाला जाता है और कैसे पकते हैं। चलिए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। ये है भट्टी। अच्छा भट्टी है ये? ये भट्टी है, ये जो है इस तरीके से हम भट्टी जलाते हैं, जला के इसी तरीके से जो है इसको डालते हैं। ये हमारा इसको अर्रा बोलते हैं। अच्छा ये, हाँ ये जल रही है इसको। अरे बाप रे, बहुत गर्मी है, ये गर्मी है, इसमें सब आगे निकाल लेंगे। हाँ। इसमें जो गैस है हाँ। उसी गैस से भुनेगी ये देखिए भाई। हाँ। इसको भट्टी के अंदर डाला जा रहा है, ये इसे डालेंगे, ये ऐसे ही पूरा साबुत का साबुत ऐसे डाल दिया गया।
अब ये निकलेगा सुबह, ये सुबह निकलेगा, सुबह निकलेगा भुनने के बाद। ये ऐसे भुनेगी, ये देखिए भट्टी से निकलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और ये अब बेचने के लिए तैयार हो गया मेरे ख्याल। हाँ, ये बेचने के लिए तैयार है, पैकिंग हो गई है। अब ये जो है व्यापारी आते हैं, इसको लिए चले जाते हैं, अपनी अपनी दुकानों में बेचते हैं। मान लीजिए वीडियो को देख रहा है और आपसे ऑर्डर लेना चाह रहा है। हाँ। तो नंबर देना चाहेंगे? 7318-4725-57। अगर आप किसी को चाहिए होगा तो इस नंबर पर कॉल। हाँ, इस नंबर पर कॉल करके बात करें। उस समय जो है यहाँ कंट्रोलों के हिसाब बिकती है, फुटकर नहीं बिकती है। हाँ, यहाँ थोक बिकती है। तो यहाँ ऊपर भी सवैयाँ फैली हुई आई, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इतनी सारी सवैयाँ हैं, हर जगह सवैयाँ हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें एंथुसियाज्म मिलता है और यूट्यूब को एल्गोरिथम पसंद है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप सभी को अवामिया की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखते रहिए अवामिया।